हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, तो कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर में आने वाले अपडेट के बारे में, जो कि OB21 अपडेट शायद से ना OB21 ही आ रहा है ना। तो यार फरवरी के स्टार्टिंग में आते आते रह गया अपडेट, बट कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस मंथ देखने को नहीं मिलेगा, नहीं गाइस, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और हो सकता है हमें फरवरी के 26 या 27 को ये अपडेट देखने को मिल जाए। तो यार उस अपडेट में मेन क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही है वो गरीना ने पूरा रिवील कर दिया है, तो यार मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो और अपडेट बनाते रहता हूँ। तो गाइस चलते सीधे वीडियो पे। तो यार सबसे पहला जो अपडेट है ना, वो है कि फुल मैप कालाहारी। तो अभी तक यार आपने जितना भी कालाहारी देखा है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया आया, छोटा सा एरिया, उसी में हमको खेलना पड़ता था। दो बार ऐसा ही हुआ है, बट फाइनली गाइस फाइनली जाके हमें OB21 अपडेट में पूरा का पूरा कालाहारी मैप देखने को मिल सकता है। अरे यार मिल क्या सकता है, मतलब मिलने वाला है यार। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मैप को लेकर, आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस न्यू मैप तो आ रहा है, तो उसका ट्रेनिंग ग्राउंड भी नया आने वाला है। तो यार वहाँ जाके आप अपना सारे वेपन्स वगैरह टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा फायरिंग को लेके, हेडशॉट को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब जो लोग नए गेम में आते हैं, नया गेम इंस्टॉल करते हैं, नए प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पबजी में भी ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड और बहुत फ़ायदा मिलता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड से। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमें न्यू कैरेक्टर स्टेफी देखने को मिलेगी। तो यार ये जो स्टेफी है ना, ये कुछ ऐसा है कि ये टीम फाइट होगा ना, तो उसमें ऐसा रहेगा कि यार अगर आप स्टेफी वाले हो तो स्टेफी भी आलोक जैसे ही एक सर्कल बनाएगी, बट वो सर्कल फिक्स रहेगा। आलोक का सर्कल जैसे आलोक चलता है तो वैसे चलने लग जाता है, बट स्टेफी का सर्कल फिक्स रहेगा। उस सर्कल के अंदर आप लोग एनिमीज को डैमेज ज़्यादा दे पाओगे और एनिमीज आपको कम डैमेज कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ रिलेटेड है स्टेफी की जो कैरेक्टर स्किल है। यार बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है मुझे, और अगर ये टॉप ऑफ रिवॉर्ड में आया तो मैं ट्राई करूंगा इसे लेने का गाइस। सो गाइस अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो न्यू इक्विपमेंट्स ऐड होने वाले हैं गेम के अंदर, जो कि इन्हेलर। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हेलर आपका जो ईपी है वो बढ़ाएगा, जो मतलब मशरूम का काम है, सीधी सीधी बात है, तो मशरूम का काम करेगा। बट इन्हेलर का फ़ायदा ये होगा गाइस कि अगर आप दौड़ रहे हो तो भी वो आप यूज़ कर सकते हो दौड़ते दौड़ते भी। एंड गाइस मशरूम से बहुत ही कम टाइम लेता है, मैं बोलूँगा कि आधा टाइम लेता है इन्हेलर आपकी ईपी बढ़ाने में। तो यार ये वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, तो ये भी बहुत ही अच्छी नई आइटम आने वाली है गेम के अंदर। तो गाइस न्यू एडवांस अटैचमेंट आने वाले, जो कि आर्मर पियर्सर 4AWM, तो मतलब आर्मर पियर्सर बुलेट्स हैं, नई बुलेट्स हैंगी, जिसकी वजह से आप जो आर्मर को है वो इजीली डैमेज कर पाओगे सामने वाले को, और बॉडी पर भी मतलब उसके HP को भी कम कर पाओगे। आर्मर पियर्सर बुलेट्स रहेंगे ना, इनसे थोड़ा सा ओम का इफेक्ट और बढ़ जाएगा, भले ही आपके पास कोई से भी लेवल का आर्मर हो। एंड गाइस थर्मल बूस्ट को प्लाज्मा गन, तो थर्मल बूस्ट ये क्या हो सकता है ये मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस रैंक मोड में हमारी डबल मैग आइस गन और बायोस्कोप फॉर कार 98 ऐड हो जाएगा। जो आइस गन है वो सिर्फ एयर ड्रॉप में मिलेगी, मतलब वही गन जिससे आप ग्लो वॉल बना लेते हो, तो ये हमें सिर्फ एयर ड्रॉप में देखने को मिलेगी। बट बाकी डबल मैग और बायोस्कोप जो है ना, वो हमें अदर लूट्स के साथ गेम में मिल जाएगा। एंड गाइस रीपर बुलेट भी ऐड होने वाली, और रेज कोर फॉर M14। यार M14 का रेज कोर भी रैंक मोड में ऐड हो जाएगा, अगर ये हो जाता है ना तो मुझे मिलता है, तो डेफिनेटली मेरी M14 गन परमानेंट होने वाली है। एंड गाइस फ्रेंड लिस्ट का न्यू UI आने वाला है, और यार हर किसी के फ्रेंड लिस्ट में एक ऐसा बंदा होता है जो उन्हें रिक्वेस्ट भेज भेज के परेशान कर देता है, तो गाइस फाइनली उसे ब्लॉक करने का भी आ गया है। अभी आप ब्लॉक करते हो तो 5 मिनट के लिए ब्लॉक होता है, बट आप उसे ब्लॉक कर पाओगे जब तक आप चाहो, तो वो आपको कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है, जो ये भी बहुत अच्छा एक एड ऑन है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अभी लास्ट में लिखा हुआ है गेम पार्टी इन्वाइट, फ्रेंड्स एंड जॉइन द पार्टी विया इन्विटेशन कोड। तो यार अब इन्वाइट करने के लिए आपको एक इनविटेशन कोड भी मिला करेगा, जिसके थ्रू आप जिस बंदे को दोगे बस वही बंदा आपके ग्रुप में ऐड हो पाएगा। तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार अपन ग्रुप बनाते तो कोई भी घुस जाता था, बट अब इसकी वजह से जिसे आप इन्वाइट करोगे, जिसे आप कोड दोगे, बस वही आपको ज्वाइन कर पाएगा। अब नेक्स्ट है इस पैट स्किल को लेके, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये मैंने बहुत ही पहले अपनी वीडियो में बता दिया था, जब सब बोल रहे थे कि पैट के दो स्किल्स लौट आएंगे, तो यार मैंने पहले ही बोला था कि नहीं यार दो स्किल स्लॉट तो कभी नहीं आने वाले पैट को,
बट गाइस आप उनकी जो स्किल है ना वो इंटरचेंज कर पाओगे, भले ही आपके पास पांडा हो तो आप पांडा की स्किल अपने फॉक्स में लगा पाओगे, फॉक्स की स्किल पांडा पे लगा पाओगे, या रोबोट में लगा पाओगे, जिसमें चाहो आप वो लगा पाओगे। तो यार ये बहुत ही अच्छा एक और एड ऑन है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि यार हर किसी का कोई फेवरेट पैट होता है, बट वो किसी वजह से उसे यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी दमदार नहीं होती है, और यार हमारे पास उसका स्किन और एबिलिटी सब होती है फिर भी हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे पास किटी की है, किटी की मेरे पास स्किन भी बहुत अच्छी है, पैट मतलब इमोट्स भी बहुत अच्छे, बट मैं कुछ नहीं कर पाता। तो यार अब फाइनली है कि मैं अपने पैट की एबिलिटीज़ भी किसी और पैट में लगा पाऊंगा और आप लोग भी लगा पाओगे। तो यार आपको ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस फायर आइकन की बात चल रही है कि फायर आइकन अभी जो करंटली है वो किसी को पसंद नहीं आया था। यार फायर आइकन का बता दिया जा रहा है कि जैसे ही गन होगी उस हिसाब से आपका फायर आइकन चेंज हो जाएगा। आपके पास MP40 होगी तो आइकन पर MP40 बनी आएगी, स्कार होगी तो आइकन पर स्कार बनी आएगी। यार ये भी बहुत ही अच्छा अपडेट है, छोटा छोटा अपडेट है, बट यार से गेम की परफॉर्मेंस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेम का साइज़ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैटर करता है कि यार इसके लिए छोटी सी चीज़ को ऐड करने के लिए भी यार गेम में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं बस यही होप करूंगा कि इससे गेम की जो परफॉर्मेंस है ना उस पर कुछ फ़र्क ना पड़े। तो एंड गाइस अब जो ये लास्ट अपडेट है वो है न्यू सेटिंग्स, तो ऑटोमेटिकली स्वैप वेपन्स। तो यार जैसे आपके पास एमओ कम हो जाएगी तो आपका वेपन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या लो एमओ हो जाएगी तो भी आपका वेपन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये सेटिंग में जाकर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो आप ऑन कर लो, नहीं हो तो आप बंद करो। वैसे अगर क्लोज फाइट या इंटेंस फाइट के टाइम पर हमेशा हमें रिलोड की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो यार ये बहुत ही अच्छा उसके लिए काम करेगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको ऑन करके मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। आप लोग को क्या लगता है, आपको क्लोज फाइट में ये हेल्प करेगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस अब इम्प्रूवमेंट्स की बात करके गेम में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, तो सबसे पहले है AN-94 गन। तो यार उसका रेट ऑफ फायर बढ़ने वाला है, उसकी रेंज बढ़ने वाली है, उसका रिकॉइल थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट यार इसके बदले उसका डैमेज कम कर दिया जाएगा और मजल अटैचमेंट का भी डैमेज कम कर दिया जाएगा। यार ओवरऑल फिर भी उसका डैमेज बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका रेट ऑफ फायर बढ़ रहा है। और अदर थिंग ये है कि यार उसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा था, अगर रिकॉइल भी कम हो जाता है तो फिर मेरे को कोई बोरी नहीं लग रही है वो गन, अगर उसका थोड़ा सा डैमेज कम कर ले तो। और अब नेक्स्ट एक्सेमेट, तो एक्सेमेट का गाइस डैमेज बढ़ने वाला है, रेट ऑफ फायर बढ़ने वाला है और मूवमेंट स्पीड वाइल एमिंग। अगर एक्सेमेट में आपने ध्यान दिया हो तो यार आप स्कोप करने के बाद है ना मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है एक्सेमेट का, तो यार वो भी बढ़ने वाली है, पर उसके बदले में मैगजीन कम कर रहे हैं, रेंज कम कर रहे हैं और एक्यूरेसी कम कर रहे हैं, तो चलेगा। रेंज के मामले में मुझे एक्सेमेट ओके ओके लगती है, बट एक्यूरेसी एक्सेमेट की बहुत ही अच्छी है, अगर थोड़ी सी एक्यूरेसी कम भी हो जाती है तो यार इट्स नॉट अ बिग डील। अब टीम डेथ मैच में भी गाइस कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो जो अभी आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती थी उसके साथ आर्मर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, न्यू वेपन भी ऐड हो जाएंगे सिलेक्शन पूल में, एयरड्रॉप भी मिलेगा आपको मैप के अंदर, यार मतलब 10 एयरड्रॉप मिलेंगे आपको हर मैच में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि यार एयरड्रॉप से तो गेम चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड रीस्पॉन पॉइंट्स भी चेंज होते जाएंगे हर प्ले जोन में, तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है। टीम डेथ मैच वैसे भी मुझे बहुत पसंद आया और मैं वही खेल रहा हूँ इस वीडियो में भी, तो यार डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत और इम्प्रूव कर देगी इस मोड को। एंड गाइस नेक्स्ट थिंग की बात करें तो अब सबसे मेन चीज़ है ये भी कि अब आप किसी एक बंदे को म्यूट कर पाओगे। एक बंदा हमेशा ऐसा आता है जो बहुत कचर कचर करता है, बहुत उसके बैकग्राउंड से नॉइस आता है, बहुत उसका माइक या तो एकदम बेकार सा माइक होता है, तो उसकी वजह से आपके कान दुखने लग जाते हैं, सर दुखने लग जाता है, तो यार ये बहुत अच्छी बात है कि आप वो एक बंदे को म्यूट कर पाओगे। ये मैं बहुत टाइम से चाहता था कि ऐसा कुछ आए, फाइनली ये भी ऐड हो रहा है गेम में, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा, आप लोगों को भी बहुत खुश होंगे डेफिनेटली यार, क्योंकि आपके भी ऐसे फ्रेंड लिस्ट में कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो यार मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। एंड गाइस लास्ट की बात करो तो स्प्रिंटिंग विल नो लॉन्गर बी अफेक्टेड बाय एक्टिव स्किल्स। तो गाइस इसके दो मतलब मीनिंग निकल रहे हैं बेसिकली मैं बोलूँ तो। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि शायद आलोक का जो स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ती थी, अपन आलोक का स्किल एक्टिवेट करते तो स्प्रिंटिंग स्पीड दौड़ने की स्पीड जो आलोक की होती है वो भी इंक्रीज होती है कुछ परसेंट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगा था कि शायद से उसकी दौड़ने की स्पीड अब बढ़ेगी नहीं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था कि यार ऐसे कैसे कर सकता है गरीना, पहले दो उसने एबिलिटी दे दी, फिर एबिलिटी हटा रहा है आलोक में से, इतना आलोक सबने खरीद लिया, पैसे वेस्ट कर दिए फिर। बट गाइस अब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन जैसे दौड़ते रहते हैं फिर एकदम से अपन आलोक की एबिलिटी एक्टिवेट करते तो आलोक रुक जाता है, फिर हमें वापस से दौड़ना शुरू करना पड़ता है,
शायद से इसमें अपडेट में जो गरीना कहना चाहते हैं ना, उसका मतलब ये है कि अगर आप अब आलोक दौड़ता रहेगा और आप उसकी एबिलिटी एक्टिवेट करोगे तो आलोक रुकेगा नहीं, तब भी आलोक दौड़ता ही रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, क्योंकि यार अगर अपन जैसे फाइट में फंसे रहे तो एक्टिविटी स्किल एक्टिव करके अपन भागना चाहते तो इसकी वजह से हम एकदम से भाग नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वही है कि अभी दौड़ते दौड़ते आलोक रुकेगा नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा चेंज होगा। बट अगर यार आलोक की स्पीड ही कम कर दी इन लोगों ने तो फिर मेरा दिमाग तो मतलब ख़राब हो जाएगा यार कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, 500 डायमंड में लिया है हमने ये आलोक और अब आप तुम ऐसा करोगे। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ दी मेरे को ये लग रहा है कि जो मैंने सेकंड बोला है ना कि आलोक दौड़ते दौड़ते रुकेगा नहीं, वही है इसका मतलब। आप लोगों को क्या लगता है इसका मतलब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। तो यार यही थे ये सब अपडेट जो हमें जल्दी गेम में देखने को मिल सकते हैं, और हमें ये अपडेट 26-27 ऑफ ऐप को देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही जल्दी हमें ये अपडेट आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अपडेट को लेकर, आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस वीडियो ही खत्म करते हैं, सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग इस अपडेट के लिए कितने एक्साइटेड हो। सो गाइस बाय बाय। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.